सो हेलो गाइस, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने माइनक्राफ्ट का ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज़। एंड आज का मेरा गोल ये है कि मुझे अपने लिए आयरन का आर्मर बनाना है एंड अपने लिए एक प्यारा सा हाउस। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलो यार गाइस, हम स्पॉन हो गए अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर एंड चलो फटाफट से हम अपने वुड कलेक्ट कर लेते हैं ताकि मैं अपने टूल्स बना सकूँ। एंड गाइस, अभी है ना, मैं ना सीधा है ना अपने स्टोन के टूल्स में अपग्रेड होने वाला हूँ, इसीलिए मैं अभी स्टोन माइनिंग कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मुझे कॉपर मिला है, ये कॉपर का क्या करूँ यार। फाइनली गाइस, मैंने ना अपने बेसिक से स्टोन के टूल्स बना के तैयार कर लिए हैं, तो चलो यहाँ से चलते हैं। एंड मुझे ना अभी शिप भी चाहिए होगा क्योंकि यार अभी रात हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे शिप दिख रहा है तो मैं इनको है ना मार ही लूँगा। एंड यहाँ पर भी एक मुझे शिप दिखा था, ख़त्म, अरे मर जा। एंड फाइनली मैंने मार लिया इसे भी, और एक चाहिए होगा मुझे, बस फिर अपना काम हो गया। एंड इसको भी हमने मार लिया, तो अभी नाइट भी होगा तो मुझे कोई मतलब डर वाली बात नहीं है क्योंकि मैं अपने लिए यार बेड बना सकता हूँ एंड नाइट को स्किप कर सकता हूँ। यार मुझे ना अभी आयरन माइनिंग को जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने आयरन बनाना है। अरे वो क्या है यार, पिलेजर आउटपोस्ट, बट मैं इधर है ना जाना नहीं चाहता बिकॉज अगर मैं गया तो मैं मर जाऊँगा। मेरे पास अभी है ना आर्मर नहीं है, तो सो मैं जाऊँगा तो मर जाऊँगा। इधर से देखता हूँ, अरे भाई मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं जाने वाला। इतनी जल्दी मुझे पिलेजर आउटपोस्ट मिल, अरे लेकिन विलेज भी है यार इसके बगल में, वाह ये तो बहुत ज़्यादा एपिक हो गया। मुझे विलेज में लूट मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लाइक हेबेल मिल जाएंगे साइड से। हाँ हेबेल है उधर मुझे दिख रहा है, तो चलो फटाफट से जाके मैं अपने लिए हेबल कलेक्ट करूँगा। सो चलो यार, अपने ना हेबेल को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत सारे जितने भी है ना मैं सबको कलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि यार मुझे अभी ब्रेड बनाने का है। ना क्राफ्टिंग टेबल नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। इसको मारना चाहिए क्या? नहीं यार, अगर मैं इसको मार दूंगा ना तो सारे विलेजर्स मर जाएंगे, क्योंकि यार मुझे विलेजर को चाहिए क्योंकि बाद में इसके बहुत मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास मेरे को जितने भी ये मिले ना मैं उसके सारे ब्रेड बना लेता हूँ। एंड गाइस, मैंने ना सीधा एक स्टैक ब्रेड बना लिया, देख रहे हो। क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं। एंड यार इन लोग के घर में कुछ है नहीं क्या? बस एक बेड रखा हुआ है, कुछ है नहीं गाइस। अरे उधर ब्लैकस्मिथ का घर है यार, मैंने तो पहले देखा ही नहीं। वो देखो उधर साइड से मुझे डायमंड्स मिल जाए आज ही। यार होते तो हैं डायमंड्स, ऐसे नहीं, देखते हैं क्या मिलता है। चलो एंड चलो मैं चेस्ट ओपन करने वाला हूँ, लेट्स गो। अरे डायमंड्स तो नहीं मिले बट मुझे ना फुल आधा आर्मर मिल चुका है, मतलब मैं आर्मर बना सकता हूँ अपने लिए आयरन का एंड मेरा पहला गोल जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने सब कुछ लूट लिया है, ए मैं चेस्ट भी ले लूँगा, मुझे साइड से दे दे ट्राइडेंट, दे मर जा, ट्राइडेंट दे दे ट्राइडेंट। अरे गाइस, ट्राइडेंट का हिट बहुत गंदा होता है, सच्ची में अभी मरने वाला था, बहुत गंदा उसका डैमेज होता है। मेरे सीधे कितने हार्ट ले लिए, 5 हार्ट ले लिए सीधे एक हिट पे, बहुत डेंजरस है। एंड यहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट है यार, मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊँगा। कोई नहीं चलो, और इधर पे ना काफ़ी ज़्यादा खाली एरिया है, सो मैं इधर पे अपना अभी हाउस बनाने वाला हूँ जो कि मेरा सेकंड गोल है आज का। अच्छा जगह है ना, यहाँ पे हम बना लेंगे। एंड थोड़ा बहुत अभी मैं ना वर्ल्ड को अपना एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्योंकि है ना अभी आयरन चाहिए और ताकि मैं अपने लिए जो चेस्ट प्लेट है ना वो भी बना सकूँ, क्योंकि अभी मेरे पास चेस्ट प्लेट नहीं है।
ओ भाई अभी मैं नीचे गिर जाता, यहाँ पे तो बहुत बड़ी केव है। चलो रवीन मिल गए मुझे, एंड इसमें मुझे आयरन तो मिल ही जाएगा साइड से। अरे दिख जा भाई, एक भी आयरन नहीं दिख रहा, कैसा रवीन है भाई। एंड गाइस फिर मैं आयरन माइनिंग के लिए आ जाता हूँ, एंड मुझे फाइनली यहाँ पे बहुत देर बाद आयरन मिलते हैं, तो चलो इसे मैं ना ले लेता हूँ। नीचे मुझे ना ब्लॉक्स लगाने दो, क्योंकि यार मैं पता चला मैं लूँगा एंड नीचे गिर गया आयरन हमारा। इसे भी ले लेते, अरे है बहुत सारे आयरन है। चलो तो मैंने इधर के सारे आयरन ले लिए, एंड और देखते हैं कि इधर पे आयरन है क्या। अभी मैं गिर जाता गाइस, बच गया, चलो कोई नहीं। और गाइस मैंने ना अपने आयरन को ना स्मेल्ट कर दिया है, तो चलो यार अपने अभी है ना मैं अपना फटाफट से अपना ना चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, जो कि मेरे पास नहीं था, एंड मैंने अपना चेस्ट प्लेट बना लिया है। सो चलो अपना आर्मर सब है ना पहन लेते हैं। एंड गाइस फाइनली मेरा पहला गोल जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि था फुल्ली आयरन का आर्मर बनाना। एंड चलो यार हम अपने दूसरे गोल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने लिए एक हाउस बनाना। तो चलो एंड चलो यार मैं अपने हाउस बनाने के लिए वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइज अभी फाइनली मैंने अपने हाउस बनाने के लिए ना बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिए, तो चलो यार अपना हाउस है ना बनाना अभी स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज अभी है ना मैंने अपने हाउस का थोड़ा बहुत है ना बेस बना के तैयार कर दिया है, तो चलो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली गाइज मैंने अपने हाउस को बना करके कंप्लीट कर दिया है, एंड सच्ची बताओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे इसको बनाने में। एंड चलो मैं आपको है ना एक छोटा सा टूर दे देता हूँ अपने हाउस का। एंड मैंने अपने घर के सामने एक स्टेयरकेस बनाया है, ताकि मैं इजीली ऊपर चढ़ सकूँ, एंड बाजू में एक बैल्कनी, ताकि मतलब ऐसे ही बना दिया है। एंड अंदर मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है, बैरल चेस्ट लगा दी है, एंड यहाँ पे अपना बेड रखा है, एंड थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है, इतना भी ज़्यादा नहीं किया है, इतना भी खास नहीं। एंड नीचे वाले हाउस में ना मैंने अपने लिए मतलब फूड का पूरा बंदोबस्त करके रखा है, मतलब इधर पे मैं अपना है ना वीट वगैरह ग्रो करूँगा। Again, sir.